ये वीडियो नारुतो पीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तेउची कोनोहा का सिटीजन और इचिराकू रेमन शॉप का ओनर है। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करेंगे तेउची के लाइफ के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमें अदर प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से 34 साल पहले एज अ टीनेजर तेउची ने अपनी लाइफ रेमन बनाने के लिए डेडिकेट कर दी। कुछ सालों बाद उसे एक बेटी होती है जिसे वो आयामे नाम देता है। चुनिन एग्जाम्स के थर्ड स्टेज शुरू होने से पहले तेउची और आयामे नारुतो को फ्री में एक एक्सपेंसिव रेमन बॉल देते हैं, उसे थैंक्स करने के लिए, उनका फेवरेट कस्टमर होने के लिए और उसे गुड लक कहने के लिए। सर्च फॉर सुनाडे, वो नारुतो और जिराया को शुकुबा टाउन की तरफ जाते हुए देखता है और कुछ देर बाद उसे सासुके उचिहा पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। मिक्स इट, स्ट्रेच इट, बॉइल इट अप, बर्न, कॉपर पॉट बर्न। एनिमे में तेउची एक नए रेमन बनाने की कोशिश करता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को हाकाकू ने किडनैप कर लिया है जो उसकी रेसिपी चाहता था। नारुतो, चोजी और साकुरा उसकी हेल्प करते हैं। तेउची उन्हें रेमन बनाना सिखाता है। हाकाकू और उसके कुकिंग निंजा से मिलने के बाद वो तीनों अपने निंजा टेक्निक का यूज करके परफेक्ट रेमन बॉल बनाते हैं। हाकाकू और उसके निंजा रेमन खाते हैं जिसके बाद तेउची उन्हें बताता है कि उसने रेसिपी की मदद से बिटरनेस को खत्म किया है। आयामे को उनसे रेस्क्यू करने के बाद वो आयामे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हाकाकू के कुकिंग निंजास का खाना खाकर मोटी हो चुकी थी। नारुतो, चोजी और साकुरा की मदद से अपनी बेटी को बचाने के बाद तेउची एक डाइट रेमन बनाता है आयामे का वेट लॉस करवाने के लिए, जो बाद में वो अपने मेन्यू में भी ऐड कर देता है अपने कस्टमर्स के लिए। वो खुद भी डाइट रेमन को खाकर देखता है और बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेता है, जिसे देखकर नारुतो और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। 12 गार्जियन निंजा, एनिमे में लार्ज स्केल पावर आउटेज के वक्त तेउची अपने शॉप से बाहर निकलता है और एक्सीडेंटली दो विलेजर्स को मार देता है। वो ये भी कहता है कि होकागे इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगी, इसीलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अकात्सुकी सप्रेशन मिशन, नारुतो के विंड नेचर चक्रा ट्रेनिंग के बाद उसे इचिराकू पर रेमन ट्रीट मिलती है। तेउची अपने अप्रेंटिसेस मात्सु और निशी के बनाए रेमन को नहीं खाता। नारुतो के खाने से पहले वो उन्हें डांटता है कि वो लोग हमेशा ऐसी छोटी छोटी गलती करते रहते हैं। इताची परस्यूट मिशन, एनिमे में तेउची अपनी बेटी के साथ दुकान के अंदर काम कर रहा था, वहीं नारुतो और जिराया इताची और सासुके से लड़ने का प्लान करते हैं। फोर शिनोबी वर्ल्ड वॉर, पेन अटैक से सुनाडे को होश आने के बाद साकुरा इचिराकू जाती है नारुतो और तेउची को सब कुछ बताने के लिए। गुड न्यूज सुनने के बाद तेउची नारुतो और साकुरा को फ्री रेमन का ऑफर करता है, जिसके लिए नारुतो मान जाता है पर साकुरा मना कर देती है। जैसे ही नारुतो खाना शुरू करता है वो माउंट मेओबोकू रिवर समन हो जाता है, जो तेउची को कंफ्यूज कर देता है। नारुतो के वापस आने के बाद वो उसे पूछता है कि वो कहाँ चला गया था। जब कुछ निंजास उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं, तेउची प्राउडली नारुतो को देखता है कि कैसे अब लोग उसे पसंद करने लगे हैं, जिसके लिए नारुतो हमेशा स्ट्रगल करता आया है। तेउची उन कस्टमर से कहता है कि पहले वो नारुतो को आराम से खाने दे, फिर वो उन्हें ऑटोग्राफ दे देगा। कागुया ओसुसुकी स्ट्राइक्स, एनिमे में नारुतो और सासुके की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी से फ्री होने के बाद तेउची को उसकी बेटी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। द लास्ट नारुतो द मूवी, रिने फेस्टिवल के दौरान तेउची नारुतो के फ्रेंड्स और उसके फैंस के लिए रेमन बनाता है। तोनेरी ओसुसुकी के हारने के बाद तेउची वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट सुनता है कि मून क्राइसिस को रोक लिया गया है। कोनोहा हिडन द परफेक्ट डे फॉर अ वेडिंग, तेउची अपने बिजनेस के बारे में बात करता है कि अब उनका बिजनेस अच्छा हो गया है नारुतो के टॉपिंग्स की वजह से, जो पहले सी वीट से कम पॉपुलर हुआ करते थे, पर अब वो नारुतो टॉपिंग्स के बाद पसंद किया जाने वाला आइटम हो गया है और अब तेउची डिमांड के बराबर नारुतो टॉपिंग्स को बना भी नहीं पाता है। ये सब का रीजन था नारुतो का इम्पोर्टेंस कोनोहा के लिए। स्टैंडर्ड कस्टमर जब भी नारुतो की न्यूज सुनते वो नारुतो टॉपिंग्स की डिमांड करते और ज्यादातर शिनोबी ये सोचकर खाते कि नारुतो की तरह उन्हें भी रेमन खाने के बाद
अपने मिशंस में सक्सेस मिलेगा। तेउची नारुतो को काफी समय पहले से ये रामन खिला रहा था, जब लोग नारुतो को पसंद भी नहीं करते थे तब से। तेउची को इसकी चिंता बिल्कुल नहीं थी कि लोग नारुतो के बारे में क्या कहते हैं। नारुतो को रामन पसंद था और तेउची को उसके लिए रामन बनाना। अब क्योंकि रामन उनके रिश्ते की एक पहचान थी, तेउची को बहुत अच्छा लगता है जब नारुतो उसे अपने वेडिंग पर इन्वाइट करता है, जिसके वेडिंग गिफ्ट के लिए वो नारुतो को एक साल के लिए फ्री रामन देता है। तब तेउची को रियलाइज होता है कि नारुतो कितना रामन खा सकता है, इसीलिए वो टाइम पीरियड को कम कर देता है। लेकिन इसके बाद भी उसे ये डर लगता है कि नारुतो उसे कंगाल कर सकता है और वो लोग रोड पर आ सकते हैं। फिर तेउची को रामन खाने के बाद नारुतो के स्माइल की याद आती है और आखिर में तेउची नारुतो को जिंदगी भर के लिए फ्री और अनलिमिटेड रामन देता है। तेउची नारुतो और हिनाता के वेडिंग में जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ इचिराकू के लिए कस्टमर्स अट्रैक्ट करता है। पर्सनैलिटी, तेउची बहुत ही दयालु इंसान है। हमेशा हंसते हुए वो और अयामे नारुतो उजुमाकी को अच्छे से ट्रीट किया करते थे और उसे अपना बेस्ट कस्टमर मान लिया था। स्पेशल ओकेजंस पर वो नारुतो को फ्री रामन भी देते थे। वो नारुतो की केयर करता था, इसीलिए उसके आने पर वो हमेशा नारुतो के बारे में पूछता था। इन सब के साथ वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। वो अपने एम्प्लॉयज को गलती करने पर डांटता भी है, जैसे रामन सर्व करते हुए अंगूठे को बोल के अंदर रखने पर। तो दोस्तों, ये थी लाइफ तेउची द रामन गाय की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।